नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। सरसीवा थाना के पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बैटरी चोर के दो आरोपी और चोरी की बैटरी खरीदने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 लाख रुपए की बैटरी और जनरेटर तथा 3 नग पिकअप वाहन भी जब्त किया है। आरोपी के द्वारा आसपास के जिलों में मोबाइल टावर में लगे बैटरियों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। सरसीवा पुलिस ने करीब 200 से अधिक स्थानों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस पूरे मामले का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल ने किया। बिलाईगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले जनवरी माह में कई थानों में हमारे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोबाइल टावर होते हैं उसकी बैटरियों की लगातार चोरियां हो रही थी, और इन चोरी की वारदात के बाद एक विशेष रूप से एक टीम गठित करके इन चोरियों के लिए पतासाजी के लिए लगाया गया था। इस दौरान जो चोरी के जो स्थल है और वहां से जितने भी रूट जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, उन सभी में लगे हुए लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने अध्ययन किया। कुछ तकनीकी साक्ष्य का भी हम लोगों ने संकलन और अध्ययन किया, और इसके बाद कुछ जो गाड़ियां संदेहास्पद गाड़ियां थी जो पाई गई, जो हर रूट में दिखाई देती थी, उन सबकी पता तलाश की गई। और इस दौरान इधर भोजराम यादव और गोविंदा सिद्धार्थ, ये दो लोगों का इसमें संलिप्त होना पाया गया। इन लोगों को बुलाकर के पूछताछ किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर इन लोगों ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देना बताया है। साथ ही इन्होंने बताया कि ये जो चोरी की हुई बैटरी है, ये आसपास के क्षेत्रों में कबाड़ का काम करने वाले कुछ लोगों को ये इसको सेल करते थे, जिसके आधार पर आकाश अग्रवाल, सुनील खर्रा, कौशल साहू और पवन कुमार मीरी अलग अलग स्थानों से इन सबको अरेस्ट किया गया है। सभी के पास से माल बरामद किया गया है, और इसमें जो बैटरियां गई थी उस पर थाना सारंगढ़, कोसी, भटगांव और सरसीवा में अपराध पंजीबद्ध थे। लगभग 90 बैटरियां चोरी हुई थी हमारे सारंगढ़ जिले से, जिसमें से लगभग 27 बैटरी बरामद हुई है और 42 नग बैटरी के खोखे बरामद हुए हैं, जिसका सामान निकाल के इन लोगों ने सेल कर दिया है। ये बरामद की गई बैटरी का जो कीमत है बाजार में वो लगभग 18 लाख रुपए है। 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं जिसमें ये चोरी के सामान को लेकर ट्रांसपोर्टेशन करते थे, वो गाड़ियां भी हमने जब्त की हैं। और इस कार्यवाही के दौरान इन्होंने बताया है कि बलौदा बाजार, रायगढ़ तथा सक्ती जिलों में भी इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरी घटना में कुछ और आरोपियों के होने की अंदेशा है, जिसके लिए पतासाजी की जा रही है और इसमें और अधिक माल बरामद करने की भी संभावना है। ये पूरा एक गिरोह के रूप में ऑपरेट कर रहे थे। अभी भी इसमें कई आरोपी फरार हैं जिनकी पता तलाश कर रहे हैं और वो अरेस्ट भी होंगे। गिरफ्तार आरोपी जो भोजराम यादव है वो मालखरौदा सक्ती का है, गोविंदा सिदार ये डबरा सक्ती का है, आकाश अग्रवाल डबरा सक्ती का है, सुनील खर्रा ये सारंगढ़ का है, कौशल साहू ये बसना से है, पवन मिरी ये नरियरा हसौद जिला सक्ती का।